तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे टंकी हमने फिट किए हुए हैं, और यहाँ से देखिए 1.5 इंची का हमने लाइन पाइपलाइन लिए हुए हैं। अब देख सकते हैं कि 1.5 इंची का हमने पाइपलाइन उतारे हुए हैं, और ये हमारा ये लाइन हो गया आपका मोटर का, जो फ्रेश वाटर का पानी टंकी में भरेगा। और इधर में आपका आउटलेट निकाले हुए हैं, ये आपका इनलेट हो गया, उधर आउटलेट हो गया, ये नीचे आपका आउटलेट हो गया। और देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट वाल लगाए हुए हैं, बॉल वाल ऑन ऑफ करने के लिए, पानी को बंद करने के लिए और चालू करने के लिए। यहाँ पे यूनियन लगाए हुए हैं, कभी टंकी सफाई करना है तो यहाँ से हटाकर हटा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक नल फिट किए हुए हैं, नल यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे टी लगाकर यहाँ पे एयर पाइप लगाए हुए हैं। तो चलिए अब बाथरूम में बताते हैं कि बाथरूम में कैसे मेट्रोपोल और डाइवर्टर, थ्री लेन डाइवर्टर और बेसिन डाइवर्टर कैसे फिट किया गया है, चलिए बाथरूम में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जितेंद्र गुप्ता कोलंबर को। तो दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं कि बाथरूम में CPVC पाइप फिटिंग कैसे करें, और थ्री इनलेट डाइवर्टर कैसे फिट करें, और मेट्रोपोल फ्लश वाल कैसे फिट करें, वो भी 1.25 इंची का, और एक मंजिल आपका मकान है उसमें प्रेशर कैसे लाए मेट्रोपोल में, और काउंटर वाश बेसिन वाल माउंटेन डाइवर्टर कैसे फिट करें, जो वाश बेसिन में डाइवर्टर फिट किया जाता है उसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। तो जैसे देख सकते हैं ये हमारा टोटल बाथरूम वाला एरिया आपका हो गया, ये बाथरूम वाला एरिया हो गया, और ये आपका टॉयलेट वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मेट्रोपोल दो वो लगा हुआ है, यहाँ पे दो फिट किए हुए हैं, एक आपका हो गया, यहाँ पे वाल हैंग कमोड लगेगा, वाल माउंटेन जो कमोड होता है यहाँ पे लगाया जाएगा, और एक यहाँ पे टॉयलेट सीट जो इंडियन सीट हम लोग का होता है वो सीट यहाँ पे फिट किया जाएगा। तो इसके लिए एक हम यहाँ पे मेट्रोपोल लगाए हुए हैं, और ये फर्स्ट आपका एक फिट यहाँ पे उठेगा, ये सेफ्टी टैंक ही है, टैंक पे ही टॉयलेट सीट और वाल एंड कमोड को फिट किया जाएगा। तो इसके लिए हमने एक फिट जमीन को छाटे हुए हैं, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लग फिट किए हुए हैं। तो ये आपको फिट करना है आपको 42 इंची पे, फर्स्ट से आपको 42 इंच आपको रखना है, ताकि आपका जो वाल एंड कमोड लगता है उसका जो सीट कवर जो ढक्कन हम लोग खोलते हैं उससे दबे नहीं, नहीं तो उससे क्या होता है कि आप डाउन में फिट कर दीजिएगा तो सीट कवर जैसे खोलिएगा तो सीट कवर से दब जाता है, दबने के बाद लगातार आपका पानी गिरते रहेगा। तो इसके लिए आपको उससे 6 इंची हाइट रखना है, यानी आपका 18 इंच पे हो जाता है वाल एंड कमोड, और 18 इंच आपका सीट कवर ढक्कन खार उठ जाता है, और उससे 6 इंची हाइट पे रखिएगा। तो ये आपका हो गया 1.25 इंची का मेट्रोपोल हमने फिट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आ ये लाइन हमारा CPVC लाइन आया हुआ है 1.5 इंची का, यहाँ पे देखिए 1.5 का टी लगा हुआ है, और 1.5 का यहाँ पे बुश लगाए हुए हैं, और यहाँ पे 1.25 इंची का MTA लगाए हुए हैं। और देखिए इसका प्रेशर कितना है, अब प्रेशर आप देख सकते हैं, देखिए हम मेट्रोपोल को यहाँ से दबा रहे हैं, और यहाँ देखिए अब देख सकते हैं कि कितना इसमें प्रेशर है, जबकि हाइट आपका ज़्यादा नहीं है, इससे मात्र 11 फीट की हाइट पे हम टैंक फिट किए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए टॉयलेट वाला जो सीट है वहाँ पे हेल्प फोर्स सीट यहाँ पे लगाएंगे, जो पीकॉक नल लगेगा तो 2 पीकॉक लगाएंगे उसका, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, और वाल एंड कमोड जो लगेगा वहाँ पर हेल्प फोर्स सीट के एक पॉइंट दिए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये आपका डाइवर्टर हो गया, ये 3 इनलेट डाइवर्टर है, ये आपका हो गया हॉट वाटर, ये आपका हो गया फ्रेश वाटर जो मोटर चलेगा उससे पानी आएगा, ये आपका हो गया टैंक का। देखिए टैंक में हमने यहाँ का यहाँ तक हम 1 इंची का लाइन दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 पौना का रिवर्सर एल्बो लगाए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए 2 45 डिग्री बेंड लगाकर हमने शावर का पॉइंट दिए हुए हैं, और यहाँ पे नीचे में आपका स्पाउट का पॉइंट दिए हुए हैं। और देखिए ये आपका ये टैंकी वाला लाइन हो गया, और ये देखिए ये फ्रेश वाटर वाला हो गया, अभी मोटर चल रहा है, ये आपका फ्रेश वाटर वाला पानी आ रहा है, ये आपका टंकी वाला हो गया, और ये वाला आपका गीजर का लाइन हो गया, तो अभी गीजर चालू नहीं हुआ है। तो ऐसे आप फिटिंग कर सकते हैं, और इसमें आपका यहाँ से हम 1.25 इंची का लाइन इसमें दिए हुए हैं, और फ्रेश वाटर में भी आपका 1.25 इंची ही पाइप लगाए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए वाल माउंटेन बेसिन डाइवर्टर यहाँ पे हमने फिट किए हुए हैं, इसमें भी आपका पानी आ रहा है, तो आपको
पाइप फिट करने के बाद, डाइवर्टर को फिट करने के बाद दोस्तों आपको ये पूरे बाथरूम को आपको पाइपलाइन जो होता है डाइवर्टर जो भी आप फिट करते हैं उसको आपको चेक कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ ऐसे आपको लेवल करके फिट करना है ताकि इसका जो आप कॉपर पार्ट लगाइएगा वो आपका टेढ़ा नहीं दिखाई दे। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपका हो गया हॉट वाटर, ये जो नीचे लाइन जो होता है ये हॉट वाटर वाला तो यानी गीजर का कनेक्शन हो गया, और ये आपका हो गया टैंक वाला यानी जो छत पर पानी टैंक रखा होता है उसका कनेक्शन इसमें हो गया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं नए पुराने वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। धन्यवाद।